जब डेंटल कैविटी स्टार्ट होती है तब कोई दर्द नहीं होता आपको, तब आपको बस एक सफेद रंग का दाग दिखेगा। तो इसको हम पहली स्टेज कहते हैं डेंटल कैविटी की। अगर आप इस स्टेज पर डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं ना, तो इस केस में डेंटिस्ट आपके उस दांत पर जेल सप्लाई करके डेंटल कैविटी को आगे बढ़ने से रोक लेता है। बट अगर हम इस स्टेज पर नहीं जा पाते डेंटिस्ट के पास, इग्नोर कर देते हैं डेंटल कैविटी को, उस सफ़ेद रंग के दाग को, तो ये आगे चलकर दूसरी स्टेज में तब्दील हो जाता है, जब ये डेंटल कैविटी दूसरी लेयर यानी कि डेंटिन तक पहुंच जाती है। तब हमें झंझनाहट, सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाती है जब भी हम कुछ ठंडा, गर्म, कुछ खट्टा मीठा खाते हैं। तो अगर सेकंड स्टेज पर आपकी डेंटल कैविटी हो चुकी है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो डेंटिस्ट आपकी उस सड़न को, उस कैविटी को साफ करके वहाँ पर फिलिंग कर देते हैं, जिसके कारण आपका दांत पहले जैसा हो जाता है। बट अगर आप सेकंड स्टेज पर भी नहीं जा पाते तो थर्ड स्टेज आती है डेंटल कैविटी की, जब डेंटल कैविटी दांत की तीसरी लेयर यानी कि पल्प तक पहुंच जाती है, जिस लेयर में नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं। और इस जब डेंटल कैविटी थर्ड लेयर तक पहुंच जाती है तो दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, और फिर आपको मजबूरी वश डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, और डेंटिस्ट आपको RCT यानी कि रूट केनाल ट्रीटमेंट रेकमेंड करता है, जहाँ पर आपकी नसों को रिप्लेस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल नसों के साथ, फिर उसके ऊपर फिलिंग की जाती है और एक कैप लगा दिया जाता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, जितना जल्दी हो सके ना, अगर आपको पता लग गया है कि आपके दांत में डेंटल कैविटी की शुरुआत हो चुकी है यानी कि सफ़ेद रंग का दाग आपको दिख गया है, तो आप उसी टाइम चले जाइए डेंटिस्ट के पास। बट अगर कैविटी से पहले भी क्या कुछ किया जा सकता है, मैंने पिछली वीडियो में मैंने 5 ऐसे तरीके बताए थे जिससे आप दांतों की सेहत को, दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिए कि ये डेंटल कैविटी वो सफ़ेद रंग के दाग की शुरुआत ही ना हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बताना चाहूँगा मैं भारत की पहली डेंटल कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, सिर्फ एक मिशन से, कि भारत के लोगों तक, लोगों को अवेयर कर सकूँ दांतों रिलेटेड समस्या जो भी हो, उनको समाधान दे सकूं अपने कंटेंट के जरिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट देकर। और मेरा विजन है कि भारत के सभी डेंटिस्ट को इस कम्युनिटी में लेकर आऊं और सभी लोग, अब भारत के सारे लोगों की सेवा करें, ये मेरा मिशन है। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ, ताकि हर पर्सन अवेयर हो सके इस कॉन्टेंट से। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज प्रदीप सानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।